हेलो दोस्त, आरआरबी जेई सीबीटी 1 रीशेड्यूल एग्ज़ाम कब होगा? शायद ऐसा अपडेट होना शुरू हुआ है, लेकिन 100% ये अभी सही नहीं है, क्योंकि जो नोटिस है उसमें कुछ गड़बड़ियां है। तो सीबीटी 1 कैंसिल एग्ज़ाम की बात करेंगे, कब होगा। तो आरआरबी कोलकाता पे ऑफिशियल अपडेट आना शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अपडेट ये सही नहीं है। जिसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो नोटिफिकेशन कोई और अपलोड हो गया है, लेकिन आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्दी ही इसका डेट अनाउंसमेंट आपके साथ होगा, सीबीटी 1 एग्ज़ाम का होगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि अगला एग्ज़ाम कौन सा होगा, पैरामेडिकल या एनटीपीसी, तो हो सकता है इसके लिए अभी वेट कीजिए। तो चलिए देखते हैं वेबसाइट पे क्या है। तो हम पहले चलते हैं सबसे पहले कोलकाता के वेबसाइट पे। तो कोलकाता के वेबसाइट पे क्लियर लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा, मैं कर देता हूँ। अभी का डेट है 14/6/2019, सबसे ऊपर वाला टॉप राइट आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, जिसमें लिखा हुआ है, क्लियर रूप से लिख दिया है इन्होंने कि नोटिस फॉर इम्पोर्टेंट डेट ऑफ रीशेड्यूल सीबीटी 1, और नोटिफिकेशन नंबर देखिएगा 3/2018, यानी जेई का है। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 3/2018, डेट 14/6/19 और नोटिस फॉर रीशेड्यूल एग्जामिनेशन फॉर सीबीटी 1, इसको पूरी तरह से देखेंगे। इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ से गड़बड़ है, यानी ऑफिस इसके नोटिस लगा हुआ है वो नोटिस गड़बड़ है। तो मैं इसको एक बार ओपन कर देता हूँ आपके लिए, ये मेरे पास ऑलरेडी है, फिर भी मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। इसे आप देखिएगा तो नोटिस तो आया है, लेकिन नोटिस में सबसे पहली भी चीज़ है कि डेट 31/12/2018, नोटिस नंबर 1, और यहाँ अंदर अपडेट हो गया है नोटिस फॉर एग्ज़ाम ग्रुप च्वाइस वाला, यानी कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ है, जिसमें बोला गया है कि मल्टीपल एग्ज़ाम आप च्वाइस करते हैं तो आपको पोस्ट यानी सीबीटी 2 वाला के बात किया गया है, लेकिन ये नोटिस गलत हो गया, यानी अपडेशन अभी प्रोसेस में है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हुआ है। तो वेट कीजिए, एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा सीबीटी 1 का रीशेड्यूल एग्ज़ाम कब होगा, ये अपडेट होना बाकी है। लेकिन ये नोटिस गलती से आरआरबी से गलत अपलोड हो गया है, या ऊपर जो लिखा हुआ है वहाँ प्रॉब्लम है, दोनों में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, जिसके कारण से ये नोटिस